यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों GTA 5 के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आपने पिछले एपिसोड में देख लिया था भाई, हमारे इंडियन माफिया की सीरीज में हमने ये वाला टैंक, बहुत सारे लोगों ने खैर मुझे कमेंट करके बताया कि आरिश भाई सेम ऐसा ही टैंक यहाँ पर जो है टेक्नो गेमर्स के पास भी है। तो भाई मैं क्या करूँ, अगर टेक्नो गेमर्स के पास है तो मैं क्या करूँ। हमारे पास भी सेम उसके जैसे ही टैंक यहाँ पर आ चुका है भाई। उसने भी मिलिट्री वालों से चोरी किया था, तो भाई तुम्हारे भाई ने भी यहाँ पर जो है चोरी कर लिया भाई मिलिट्री से ही। और बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा टैंक है दोस्तों। और ना यहाँ पर जो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि अगर हम पूरा का पूरा लॉस सैंटोस भी यहाँ पर मिलिट्री बेस वालों को दे देते हैं, ठीक है ना, और मिलिट्री बेस की जगह भी इनको दे देते हैं, हर चीज़ देते, तब भी हम ऐसा टैंक चीज़ नहीं कर सकते। एक अनमोल है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है ये। ओ भाई साहब, ये बात तो भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है ना। एंड दोस्तों टैंक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए भाई मैंने इसकी सिक्योरिटी के लिए अपने जितने मेरे पास फ़िलहाल सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन सबको दोस्तों तैनात कर दिया। मैंने कहा भाई तुम सब इसकी सिक्योरिटी में यहाँ पर जो है लगे रहो, क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता यार कोई भी इसको मुझसे जो चोरी वोरी करके ले जाए, फिर दोस्तों ऐसा कुछ भी हो, ठीक है। इसीलिए भाई तुम्हारे भाई ने इसको जो सिक्योरिटी में इसकी भाई जो है खड़ा कर दिया है। बाकी चेक करो आप सब लोग, कितना ज़्यादा बड़ा है ना। मैंने अपने घर के यहाँ पर गार्डन में यार इसको जो है खड़ा किया है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही जो है दोस्तों लग भी रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस अभी हम चलते हैं, मुझे जाना है एक जगह पर। और मैंने सबसे पहले तो ये सोचा था कि क्यों ना इस को किसी सीक्रेट लोकेशन पर खड़ा किया जाए, बट यार घर इज़ माई सीक्रेट लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आ भी नहीं सकता है और बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो मैंने फैसला ये किया है कि मैं इसको जो है अपने घर में ही रखूँगा और मैं कहीं दूसरी लोकेशन पर इसको जो है ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे घर पर है तो सही है। अगर कहीं ऐसी वैसी जगह चला गया और दोस्तों कुछ ऊपर वाला नखरे हो आ गया, चोरी कर लिया, या फिर मिलिट्री वालों को पता चल गया इसको मैंने कहाँ पर रख रखा है, खैर वो लॉस सैंटोस में तो नहीं आएंगे, पुलिस उनको एक मिनट पकड़ लेगी अगर उन्होंने मेरे घर पर अटैक किया फिर ऐसा कुछ, क्योंकि लॉस सैंटोस पर उनको कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है। ये बेसिकली आपने इल्यूमिनाटी जानते होंगे ना, इल्यूमिनाटी हैं सब के सब। चलो मैं फ़िलहाल अपने इस ट्रक में चलूँगा, मॉन्स्टर ट्रक के अंदर दोस्तों। नाइस, चलिए गाइस चलते हैं अब यार। असल में ना एक दोस्त है मेरा बहुत टाइम पुराना, ठीक है, और उसको ना मुझसे एक काम करवाना है। उसे पता है माइकल दादा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, तो एक काम करवाना है। तो रात हमारी कॉल पर बात हो गई थी, उसने कहा यार तुम आ जाना, ये बात है। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे से ना एक बार जो है मिल लूँगा। तो वो रहता है दोस्तों, आप यहाँ पर अरीना वॉर जानते होंगे ना, वहाँ पर उसका एक अंडरग्राउंड ऑफिस है, तो वहाँ पर रहता है, ठीक है, और उसने मुझे वहीं पर जो है दोस्तों यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। अब मुझे नहीं पता यार उसको मतलब ऐसा कौन सा काम जो मुझसे यहाँ पर करवाना है, बट अब सारी की सारी बात तो गाइस वहीं पर पता चलेगी यार जाकर कि उसे ऐसा कौन सा काम दोस्तों मुझे यहाँ पर करवाना है और बदले में मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। क्योंकि भाई देखो बिजनेस बिजनेस होता है और मुझे बदले में भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है चाहिए। अब लॉस सैंटोस पूरा भाई देखो मेरी मुट्ठी में है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी मेरे मतलब ऊपर नहीं है, मैं सबके ऊपर हूँ, ठीक है, हर कोई दोस्तों मेरे अंडर यहाँ पर जो है काम वगैरह करता है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्लस पॉइंट को देखते हुए उसने मुझे याद किया है और मुझे बुलाया। चलिए चलते हैं दोस्तों उसके पास, देखते हैं यार क्या वो काम हमें यहाँ पर जो है बता। गाइस यार फिलहाल यहाँ पर जो है बारिश आ रही है और मौसम तो खैर भाई घर के वहाँ से ही इतना अजीब सा हो गया था, अब यहाँ पर आकर बारिश भी दोस्तों आने लग गई। भाई मैंने इन गैंग वालों की कैसे यहाँ पर दोस्तों खटिया खड़ी की थी ना, खतरनाक। चलिए अब चलते हैं यार, वैसे लोग भागना अभी मुझे पहचानते नहीं बट धीरे धीरे दोस्तों पहचानने लग जाएंगे कि भाई ये जो है इंडियन माफिया की कार है, या फिर मैं अपना कुछ ऐसा यूनिक चीज़ ही जो यहाँ पर बनवाना चाहूँगा। ये है दोस्तों मेज बैंक अरीना, ठीक है, यहाँ पर ना अरीना वॉर होती है, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं, आपने अंदर से दोस्तों देखी भी होगी अरीना वॉर। मैं इसी के आपको एक स्पेशल गैरेज में जो है लेकर जाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं दोस्तों। नाइस,
मैं अपने ट्रक को ना बाहर यहाँ पर जो लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं लेकर जाऊँगा इसको। अंदर भाई सिर्फ़ और सिर्फ कार्स का है, और ये मेरा ट्रक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है ना। चलो नाइस। चलो इसको बंद कर दो। इतने मेरा काम यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होगा, इतने बारिश भी जो है दोस्तों ख़त्म हो ही जाएगी। तो चलिए बंदर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर ना लोडिंग का काम किया जाता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तुम्हारे भाई को एक बैट भी पड़ा हुआ मिल गया, बट मैं इस बैट का दोस्तों यहाँ पर करूँगा भी क्या। चलिए अंदर चल। वैसे मैक्स तेरा काम हो जाएगा, चल मैं कोशिश करूँगा पूरी। और वैसे मुझे तो कोई खैर रोक सकता नहीं है, बट हो जाएगा। चल तू ठीक है, तू बिल्कुल भी दिक्कत मत ले। तो गाइस यार, ये है मैक्स जिससे मैं यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। ये एक काफ़ी पुराना मेरा दोस्त है, इसको देखकर भाई लगेगा नहीं कि इतना अमीर बंदा है दोस्तों। ये पूरा का पूरा लॉज इसका, ऐसी गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर पीछे खड़ी हैं, ठीक है ना। तो गाइस यार, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, ये बोल रहा है कि एक इसका फ्रेंड है, पहले फ्रेंड थे, पार्टनर्स थे बेसिकली, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप टूट चुकी है, उसने इसके साथ दोस्तों यहाँ पर धोखा किया है, ठीक है। और उसने उस धोखे के पैसों से ना रशिया से गोल्ड इंपोर्ट किया है, रशिया से स्मगलिंग किया है बेसिकली किसी तरीके से, तो गोल्ड इंपोर्ट किया, ठीक है। तो वो जो गोल्ड है ना दोस्तों, वो आज ट्रेन से लॉस सैंटोस आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर तू उस ट्रेन को लूट ले और वो सोना यहाँ पर लाकर दे देना, तो दोनों भाइयों का आधा आधा हो सकता है। और मुझे सिर्फ तेरे के ऊपर यहाँ पर भरोसा है कि तू ही ये काम जो यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि तू इंडियन माफिया बन चुका है, प्लस तेरी लॉस सैंटोस में बहुत ज़्यादा ताकत है, प्लस तेरे पास इतना बड़ा जिगर है, और तू ही ये काम कर सकता है। और स्मगलिंग ये कह रहा है, स्मगलिंग से आ रहा है, तो कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं होगी, तुझे बस वो जो क्या कहते हैं ट्रेन है उसको ब्लास्ट वगैरह करके बस वो सोना लेकर आ। तो कुछ भी कर उस ट्रेन के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं, सोना ला कर दे। चल मैक्स, कोई बात नहीं, मैं तेरा काम करता हूँ, बट एक बात याद रखना, आधा आधा है दोनों भाइयों का, ठीक है। तो दोस्तों आधा आधा सोना होने वाला है। उससे पहले यार मैं आपको इसका जो गैरेज वगैरह दिखा दूँ, कुछ इस टाइप का दोस्तों यहाँ पर इसका जो गैरेज है, और ऊपर भी भाई इसका, इसने यहाँ पर एक रूम बना रखा है। लेट मी शो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो आप भाई, क्या खतरनाक बना रखा है, देख रहे हो। नाइस, रेडियो वगैरह चल रहा था, छोड़ो, एक नंबर बना रखा है दोस्तों, नहीं बना रखा। प्लस मैं आपको उसकी गाड़ियाँ दिखाना चाहूँगा यार। हाँ एक बात और, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में इसके जैसा कार कलेक्शन किसी के पास भी नहीं है, इसके जैसा गाड़ियों का कलेक्शन ना किसी के पास नहीं है। कलेक्शन बहुत लोगों के पास है, बट इसका खुद का भी कहना है, और जहाँ तक दोस्तों मैंने देखा है, नहीं है। क्योंकि भाई अरिना वॉर में इसकी गाड़ियाँ चलती हैं भाई, और यहाँ पर भी है, ये देखो अभी लेटेस्ट आई है भाई, ये बुगाटी की गाड़ी है, यह है दोस्तों बुगाटी W60, और ये भी पहली गाड़ी है लॉस सैंटोस में। और इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं, लाइक जैसे कार्बन फाइबर के इसके बम्पर्स वगैरह लगे हैं, बता रहा है मेरे को, ठीक है। और कह रहा है पूरे लॉस सैंटोस में इसके जैसी गाड़ी नहीं है भाई कोई, भाई नहीं होगी, पूरी की पूरी टेल इसकी कार्बन फाइबर है। और पीछे से कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना दोस्तों ये वाली गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मेरे पता नहीं यार दोस्तों मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यार मैं आपको यहाँ पर अंदर दिखाता हूँ, अंदर भी इसकी बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, व्हीकल स्टोरेज, ठीक है ना। इसके अंदर इसने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कुछ ऐसी भी गाड़ी है जो कि मेरी कभी यहाँ पर लेने की तमन्ना थी, बट नहीं ले पाया भाई मैं, बट अब कर रहे हैं भाई मेहनत, तो ज़रूर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे खड़ी होती है वो W60 जिसका वहाँ पर काम जो है चालू है, ठीक है। बाकी और सब अपनी जगह पर खड़ी है दोस्तों। ये है फरारी, ये फरारी 812 स्पाइडर है शायद से, 812 स्पाइडर है दोस्तों, यहाँ वही है शायद फरारी। भाई साहब बंदे के पास फरारी भी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है बुगाटी, वो भी बुगाटी है ऑलरेडी, इसके पास एक और बुगाटी है, ये देखो भाई, ये तो एक लेजेंड कार है यार दोस्तों, है ना, लेजेंड गाड़ी है एकदम। साइड प्रोफाइल चेक करो यार आप गाड़ी की, कितनी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर जो है लग रही है। और पीछे से तो भाई और भी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत दोस्तों लग रही है, पीछे से बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसे सिर्फ लैम्बोर्गिनी और बुगाटी का या फिर फरारी का ही शौक है मेरे हिसाब से तो।
और एक और ये बुगाटी। अब आप सभी लोग बोलोगे आरिश भाई इवो और ये बुगाटी बिल्कुल सेम है, ना ना यहाँ पर लोग मार खा जाते हैं, वो ओल्ड मॉडल है, ये लेटेस्ट आया था इसके। ये बुगाटी स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो नॉर्मल शिरोन है, ये शिरोन स्पोर्ट्स है। आप यहाँ पर भी इसकी जाली पर देखिए 16 लिखा हुआ है, उसकी जाली पर कुछ नहीं लिखा होता, 16 लिखा हुआ है। और बहुत सारे छोटे मोटे इसके अंदर जो चेंजेस किए गए थे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और भी बहुत ज़्यादा चीज़, तो परफॉर्मेंस में ये उससे ज़्यादा तेज़ भागते हैं ये वाली। कुछ ज़्यादा थोड़े से चेंजेस किए थे इंजन के अंदर, ट्यूनिंग वगैरह की थी, तो उससे महंगी है ये वाली रेड वाली। भाई इसके पास दोनों की दोनों गाड़ियाँ हैं, समझ रहे हो आप, दोनों की दोनों कार्स हैं इसके पास। उसके बाद दोस्तों यार यहाँ पर इसने मैक्लारेन भी है यार इसके पास। मैं सोचा था इसको सिर्फ बुगाटी और या लैम्बोर्गिनी इन सब का शोरूम है, मैक्लारेन भी है भाई, वाइट कलर की, क्या प्यारी गाड़ी लग रही है। मैं तो भाई टच भी नहीं कर रहा, खैर इसकी गाड़ियाँ, मुझे कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, बट मैं भी ऐसी गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर लूँगा जब अगर मुझे सोना वगैरह वो मिल जाए। ये चेक करो आप, ये गाड़ी देखो। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर लैम्बोर्गिनी अवेंडिटोर, ये तो भाई जो सुपर कार्स वाला होता है ना, जिससे एक कलेक्टर है या फिर कुछ भी मान लो, तो लैम्बोर्गिनी की अवेंडिटोर से शुरुआत होती है भाई साहब। अवेंडिटोर इज रियली गुड, हुरैकन से अच्छी है दोस्तों, हुरैकन कुछ नहीं लगती मुझे इसके आगे, अवेंडिटोर इज लेजेंडरी। नाइस, चलिए दोस्तों, और इसके पास दो लैम्बोर्गिनी सियान हैं, बट आप सभी लोग भी यहाँ पर धोखा खा जाएंगे, ये लैम्बोर्गिनी सियान नहीं है, ये जस्ट एक चाइनीज़ कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया है, और ये हूबहू लैम्बोर्गिनी सियान जैसी ही लगती है। ये चेक करो आप, ये लोगो देखो किसी दूसरी कंपनी का, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। डुअल शेड मार रही है देखो इसकी गाड़ी के पेंट के अंदर से भी, ठीक है, देख लो ये लैम्बोर्गिनी नहीं है, ये देखो ये लैम्बोर्गिनी नहीं है दोस्तों, ये जस्ट फेक है, ये चेक करो। इतनी नॉलेज आपको भी रखनी चाहिए वरना आपको कोई पागल बना देगा। ये सियान ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल सियान देखो ये है लैम्बोर्गिनी की, ये ओरिजिनल सियान है भाई। उसकी पेंट क्वालिटी, इसकी पेंट क्वालिटी में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये गाड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर जो लग रही है, साइड से चेक करो, अरे हाय क्या गाड़ी है यार दोस्तों, एक बार चलाने को मिल जाए ना सियान, पूरे लॉस सैंटोस में सियान सिर्फ इसी के पास है ये वाली, वो भी इसमें तो एक बार बैठ के देखना चाहूँगा, इसमें नहीं मेरा मन रुक रहा, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, एक बार इंजन भी स्टार्ट करके देखता हूँ। नाइस, भाई वैसे वो दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, ये देखो इसकी मीटर वगैरह भी कैसे चलता है ना, छोड़ो यार। उसके बाद ये एक लेटेस्ट कार है दोस्तों, ये लैम्बोर्गिनी की तरफ से ही है, बट ये एक इलेक्ट्रिक कार है, यही बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई ये वाली। मैंने लैम्बोर्गिनी की गाड़ी आज तक देखी नहीं दोस्तों, कह रहा है ये है ही नहीं किसी के पास ये वाली गाड़ी। टेरेजो पहले ही आई थी, उसके बाद टेरेजो आई थी शायद, अरे इलेक्ट्रिक नहीं है ये, तो पेट्रोल वाली है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। नाइस, इंडिकेटर्स देखो कहाँ दे रखे हैं गाड़ी में, गुड। भाई एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं, मीटर देखना उसके ज़रा अंदर से भी कैसी है गाड़ी, भाई साहब दिखाई में जाती हैं गाड़ियाँ, समझ गए जो हम चलाते हैं। ये भी लैम्बोर्गिनी खड़ी है, इसके विंगलेट्स देखो कितने बाहर निकले हुए हैं भाई, क्या कलर है भाई अंदर से यार, भाई मेरा तो लालच आ रहा है इन गाड़ियों को देख देख के मन में। हाँ ये स्पोर्ट्स है, ये नॉर्मल है, बट मॉडल सेम ही है। हाँ ये पूरी कार्बन फाइबर है यार दोस्तों, मैं भी भूल गया था, ये कार्बन फाइबर ऑरेंज है, बट अलग अलग है, दोनों गाड़ियाँ सेम नहीं है।
मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, गाड़ियों का हेवन बोलते हो ना, हेवन वो है दोस्तों ये कार्स का, मतलब एक नंबर दोस्तों, एक नंबर जिसको कहते हैं ना भाई वो है। चल भाई मज़ा आ गया यार तेरा गैरेज देखकर, चल अब मैं निकलता हूँ यार, बहुत देर हो गई। चलिए दोस्तों अब यार यहाँ से जो है मैं लिफ्ट का बटन दबा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ से जो है चलते हैं, देखते हैं भाई क्या मैं उस ट्रेन के अंदर से सोना अगर चुरा पाया तो भाई देखता हूँ इससे मेरी डील हो जाएगी क्रैक आज। चलिए कोई नहीं, चलते हैं पहले तो बाहर। तो यार यहाँ पर एक बात अच्छी हो गई है, जो कि है दोस्तों यार यहाँ पर बारिश रुक चुकी है। एंड चलिए फाइनली मैं यहाँ से जो दोस्तों चलता हूँ। तो दोस्तों प्लान कुछ ऐसा है, उसने मैंने उससे पहले पूछा कि ट्रेन जो है कहाँ पर आने वाली है, कहाँ पर नहीं। उसने ये बोला कि जो एक बंदा उसने उसके पीछे लगाया हुआ है, उसने उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है दी है कि जो ट्रेन है ना दोस्तों जिस लोकेशन पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँच चुकी है। शिट, ट्रेन चली थी रशिया से, आई है लॉस सैंटोस में, और लॉस सैंटोस में आने के बाद ना जिस लोकेशन पर जाना था ना वहाँ पहुँच गई, बट जो जो सोना उठाने जो आने वाला है ना वो अभी तक वहाँ पर आया नहीं है। चलो भाई ये बात भी है, मैंने मास्क वगैरह तो कुछ नहीं लगाया यार दोस्तों, मैं सीधा सीधा जो करने वाला हूँ करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। भी मास्क वगैरह लगा क्या होगा, अपनी तो पहचान भाई कहीं हो जाए, अब तो इंडियन माफिया का हर जगह नाम चलता है। सबसे पहले इस लोकेशन से निकल जाऊं यार मैं, अरे यार साइड हो, मैं बेफजूल में लोगों को कुछ कहता नहीं हूं। तो यार जाम लगा रखा है इन्होंने शहर के बीच में, और जब जाम खुलता नहीं है तो भाई हम करें क्या, इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हमने इसीलिए थोड़े ना ले रखे, इतने मजबूत यहां पर लोगों को ठोकने के लिए तो ले रखे हैं। भाई साहब बूस्टर लगा के इसको चलाने का ही मज़ा कुछ और है, देख रहे हो इसके ऊपर भाई जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी क्या फर्क होता है। शिट शिट शिट, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, बस निकलता हूँ चुपचाप। अरे शिट भाई, मतलब ये देख रहे हो तुम्हारे भाई ने कैसी तबाही मचा रखी यार शहर के अंदर, मतलब पब्लिक ना थर थर कांपती यार तुम्हारे भाई से, थर 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 ऐसे कांपती है पब्लिक भी। चलो नाइस, ये गुड हो गया, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हमें जो है निकलना है और उस लोकेशन पर पहुंचना है। लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो साइड हो ना, मुझे तो इसमें ऐसे दिखता है, मैं तो जस्ट बैठा हूँ। चलो नाइस, बढ़िया। मैं यहाँ पर जो भाई इंडियन माफी बोल रहा है, सॉरी अबाउट दैट। चलो फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुँच गए हैं। बस दोस्तों ये मैं तबाही तो दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि तबाही देखो मैं कैसी करता हूँ। सबसे पहले मुझे उनका सिस्टम यहाँ पर हैक करना पड़ेगा, हैक करने के लिए मेरे पास एक चीज जिससे कि हैक होगा। फाइनली हम उस लोकेशन पर आ गए हैं। चलेगा यही कहीं है वो ट्रेन जहाँ पर भी है, उसने जो वो दी है वो करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा। ट्रेन आई है अभी तक क्या, नहीं आई मुझे नहीं पता। हाथ में तुम्हारा भाई क्या है, शॉटगन, शॉटगन मैं अपने हाथ में हमेशा दोस्तों यहाँ पर जो है रखता हूँ। चल भाई यहाँ अंदर जाना है, एक चिप है मेरे पास जो कि लगानी पड़ेगी। ओके तो दोस्तों तैयार हैं, चलिए अंदर। ऑलराइट गाइस मेरे अंदर घुसते यार ये बंदे ने मेरे ऊपर यहाँ पर जो है तेरी ऐसी की तैसी अंदर घुसते ही से ने मेरे ऊपर एकदम गोलियां दोस्तों यहाँ पर चलाई। ओपन द गेट यहाँ पर ये करने के लिए ना, जो मेरे पास बैग है जो कि मैं गाड़ी के अंदर से दोस्तों यहाँ पर जो उठाकर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस बैग के अंदर एक सिक्योरिटी चिप है जिससे कि गेट दोस्तों यहाँ पर जो है खुलेगा। चलो हैक स्टार्ट करता हूँ फटाफट दोस्तों जल्दी से, यहाँ पर ये लगा दिया मैंने। ऑलराइट
चल चल चल, लैपटॉप से हैक करना पड़ेगा भाई। इंडियन माफिया को दोस्तों हर चीज आती है। मेरे हिसाब से अब तो दोस्तों गेट ओपन हो जाना चाहिए। हो चुका है गेट ओपन। कॉल द ट्रेनियन, ठीक है इससे करता हूँ। इसको भी हैक करना पड़ेगा दोस्तों। चलो अब निकलते हैं दोस्तों बाहर। यार मैं यहाँ से बाहर तो आ गया हूँ, अब मुझे उस दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर दोस्तों जो है जाना है। और ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दोस्तों मुझे वही बंदा यहाँ पर जो दे रहा है। मैं अपनी गन अपने हाथ में रखता हूँ, ये वाली गन ज़्यादा सही है। चलो चुपचाप 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 जल्दी जल्दी चलना है। ऑलराइट दोस्तों मुझे जाना है गाइस टनल के नीचे। एट द टनल तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्शन आया है कि जो गार्ड्स वगैरह हैं ना यहाँ पर उनको पेल पहले। तो गार्ड वगैरह भी तो यहाँ पर खड़े होंगे। ये मैं कैसे भूल गया था कि गार्ड वगैरह कैसे नहीं होंगे यार। ऑलराइट फाइनली ट्रेन भी खड़ी है। इन्होंने कहा था देखा मुझे दूर तुम्हारी। हट तेरी ऐसी की तैसी। शायद दिख रहा है क्या और भी। तेरी ऐसी की तैसी और भी है क्या। Get a job! अबे एक बंदा कहां पर है यार। राइट और बंदे भी यार यहाँ पर आ रहे हैं। हट तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। चलो अब और किसी के आने से पहले फटाफट जल्दी से ट्रेन के अंदर से सोना निकाल लेता हूँ। भाई रशिया से ये ट्रेन आई है क्या। शिट यार ग्राइंडर निकालना पड़ेगा मेरे को। यह ऐसे ही ओपन हो जाएगा नहीं, ग्राइंडर से कटिंग होगी इसकी। ये कट गया। चलिए दोस्तों अब इसको खोलता हूँ। फाइनली इतना सोना है गाइस। इस सोने के चक्कर में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। बैग के अंदर डाल लेता हूँ दोस्तों। ये भी सारे के सारे सोने के पीस डाल दूंगा सारे के सारे। आधे मेरे हैं भाई आधे उसके हैं। अब पूरे तो मैं उसको दूंगा नहीं, कभी वो किसी और हवा में होगा दोस्तों। चल चल बढ़िया 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 बढ़िया। उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। फाइनली दोस्तों डन। चलिए जल्दी से दोस्तों यार यहाँ पर तुम्हारे भाई ने जो गोल्ड चोरी कर लिया है, अब मैं इसको लेकर जाऊँगा दोस्तों अपने घर, ठीक है। या फिर मैक्स जहाँ पर बोलेगा उसकी लोकेशन पर नहीं जाने वाला, क्योंकि भाई वो भी एक हरामी बंदा है और वो भी दोस्तों यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं उसको बुलाऊँगा कल को दोस्तों मैक्स को अपने घर पर, और कल वहीं पर जो है गोल्ड की डील होती है। फिर जैसे कहीं अगर उसने कहीं और बुलाया तो देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए। बाय बाय।